अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ 3 दिन में किसी को भी अपनी मोहब्बत में बेचैन कर देने वाले तावीज़ के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल नक्श है, ये मोहब्बत का तिलिस्मी कामयाब नक्श है। तो आप लोगों से गुजारिश है इस नक्श को सिर्फ जायज मकसद के लिए यूज़ करें, ठीक है। तो आपको इस नक्श को स्टेप बाय स्टेप देखना है, जैसे हम बताएंगे बिल्कुल वैसे ही करना है, फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लाइन खींचनी है ऐसे करके, उसके बाद एक लाइन ऐसे करके खींचनी है, एक लाइन ऐसे करके खींचनी है, एक लाइन ऐसे खींचनी है। इसको बढ़िया तरीके से बनाना है। इसको बनाने के लिए आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर लाइनें सेंटर में आ जाएंगी सही से। उसके बाद आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है, 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 और जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाए आप उस तावीज़ को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है 7 8 6। इस नक्श को आपको चाल के अकॉर्डिंग बनना है, तो आप ध्यान से देख लीजिए मैं कहाँ कहाँ बनूँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है 270, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं 267, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा 263, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 269। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 266, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 264। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 271, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 262, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 268। आपने इसको चाल के अकॉर्डिंग बनना है, मैं आपको फिर से बताता हूँ कैसे कैसे बनना है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे लिखना है 270, 270, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे लिखना है 267, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे लिखना है 263, 263, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, उसके यहाँ पे लिखना है 269, 269, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पे लिखना है 266, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, उसके यहाँ पे लिखना है 264, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पे लिखना है 271, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है 262, लास्ट में यहाँ पे आपको बनना है 268। इसको चाल के अकॉर्डिंग बनना है, ध्यान से इसी तरीके से बनना है, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मैंने बताया वैसे ही बनना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है नाम जिसके लिए आप ये तावीज़ बना रहे हैं। अगर ये तावीज़ आप लड़के के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर लड़के का नाम, ठीक है, और उसके नाम के आगे बिन, और यहाँ पर उसकी माँ का नाम। माँ का नाम पता है तो ठीक है, माँ का नाम नहीं पता है तो यहाँ पर लिखते हैं हव्वा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये तावीज़ आप लड़की के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर लड़की का नाम और उसके नाम के आगे बिनते, ठीक है, और यहाँ पर उसकी माँ का नाम। माँ का नाम पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हब्बा लिखते हैं, ठीक है। आपको इतने करना है, इसके बाद आपको इस नक्श को फोल्ड कर लेना है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूँ, जिस अगर आप ये तावीज़ लड़के के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर लड़के का नाम, उसके बाद यहाँ पर बिन, फिर उसकी माँ का नाम। माँ का नाम पता है तो ठीक है, माँ का नाम नहीं पता है तो हब्बा लिखते हैं, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर ये तावीज़ आप लड़की के लिए बना रहे हैं तो लड़की का नाम यहाँ पे उसका उसके नाम के आगे बिनते लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उसकी माँ का नाम, माँ का नाम पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ पर लिखते हैं हब्बा। उसके बाद आपको इसको फोल्ड कर लेना है, जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाना है। मैंने आपको समझाने के लिए बड़ा बनाया, उसके बाद आपको इस शक्ल में बना लेना है। इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको काले धागे से बढ़िया तरीके से लपेट लेना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से लपेट लेना है इसको। मैं आपको बता दूं, इस तावीज़ को आपको ये तावीज़ आपको 3 दिन बनाना है, तीन दिन बनाना है, तीन तावीज़ लगातार। पहला तावीज़ बनाएं, पहला तावीज़ बनाने के अपने पास रख लें, ठीक है। फिर उसी तरीके से दूसरे दिन दूसरा तावीज़ बनाएं, उसको भी अपने पास रख लें। फिर उसी तरीके से तीसरा तावीज़ बनाएं, तीसरे तावीज़ भी अपने पास रख लें। जब ये तीन तावीज़ आप बना लें, उसके बाद आप इसको किसी पानी वगैरह में बहा दें, यानी नदी नदी में बहा दें, तालाब में बहा दें, जो भी जिस पानी चलता हो, मतलब गंदा पानी ना हो, साफ पानी, जो चलता पानी हो उसमें आप इसको बहा दें। नदी होती है चलते पानी, तालाब हो गया,
जो भी है जिस तरीके का भी आपको दिखे, मतलब गंदे पानी में, गटर वटर में नहीं डालना है, इसको चलते पानी में डालना है, ठीक है। ये आपको 3 दिन बनाना है, और इस नक्श को बनाने के लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, आपको किसी भी टाइम बना लें और किसी भी दिन बना लें इस ताबीज़ को। ये नहीं है कि इस टाइम बनाना है, किसी भी टाइम बना लें और किसी भी दिन बना लें, लेकिन जिस दिन आप पहला ताबीज़ बनाएं उसके बाद ये नहीं करना है कि एक ताबीज़ बनाया फिर गैप कर दिया, एक ताबीज़ बनाया एक दिन, उसके बाद दूसरे ही दिन दूसरा ताबीज़ बनाना, उसके बाद तीसरे ही दिन तीसरा ताबीज़ बनाना, तीनों दिन तीनों ताबीज़ बनाने लगातार, ठीक है। इसको बनाने के बाद आपको इसको फोल्ड करके ये और चलते पानी में डाल लेना है, बस आपको इतना ही करना है। एक 3 दिन के अंदर आपको दिल में जिसके लिए भी आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी गारंटी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और हमें सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।